सिटी होम देख रहे दर्शकों का स्वागत करते हैं। बीते दिन अमृतसर राम तीर्थ रोड से एक तेज़ रफ्तार गड्डी ट्रक नाल जा टकराई। यह टक्कर इन्नी जबरदस्त सी कि एक नौजवान की मौके पर ही मौत हो जाती है। दसिया जा रहा है कि गड्डी की स्पीड ओवर सी। उत्थे आस पास के लोगों का कहना है कि नौजवानों वालों वीडियो बनाई जा रही थी जिसन लैके यह हादसा होया। उथे ही इलाके के पिंड वासियों का कहना है कि यह गड्डी का तकरीबन रात 4 बजे एक्सीडेंट होया है जिस विच एक नौजवान की मौके पर ही मौत हो जाती है। 3 नौजवानों अमृतसर के निजी हस्पताल विच इलाज लई दाखिल करवा दिता जाता है। यह सारे नौजवान वार्ड नंबर 2 दे विच ही रहिंदे हन। उथे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सानू सूचना मिलते ही करीब 4 बजे असी मौके पर पहुँचे और बड़ी मुशक्कत दे नाल गड्डी नू ट्रक दे थल्लों कढ़िया गया। उन्होंने कहा है कि यह ओवर स्पीड होने करके गड्डी ट्रक विच जा टकराई सी। उथे ही उन्होंने कहा है कि नज़दीकी चौंकी दे विच इस खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जो बाकी दे नौजवान हैं उन्होंने अमृतसर के एक निजी हस्पताल विच इलाज चल रहा है। आओ तो हम भी दिखाने मौके दी तस्वीर। अमृतसर तो सुनील खोसला की रिपोर्ट, सिटी होम न्यूज़। मैं हरप्रीत सिंह बेदी जी। जी राम तीर्थ रोड आ, हरी राम बगीची का एरिया वा। रात इतने एक्सीडेंट होया करीब 4 बजे आस पास दस रहे हैं आस पास के लोग, और जड़ा पूरी तरह गड्डी डैमेज हो गई है। 4 ये व्यक्ति से जोड़े कि साड़ी वार्ड नंबर 2 दे ही सारे ने, और जिधर जो एक लड़के की डैथ हो गई है, 3 जड़े वो जख्मी ने गंभीर तौर पर, और 3 जड़े अमनदीप अस्पताल के दाखिल ने। हाँ बिल्कुल, आ देखो जी आ वार्ड नंबर 2 है तुहाडे नाल लगदी, तो यह बाहर रोड पर एक्सीडेंट होया। सारे जिन्हें भी चारे मुंडे ने वार्ड नंबर 2 के वासी ने, और हाँ इलाके दे ने जी मेरे। मैं गुरु नानक वाड़े हाँ, तो इतने साडे मुंडे कुछ सेवा नगर का, एक निका सिंह कलोनी का, एक ज़्यादातर सेवा नगर इलाके दे ने मुंडे। 4 करीब एक्सीडेंट होया जी, तो अही मौके पर आ गए हाँ। तो ये बंदे जड़े विच फसे, 2-3 बंदे जड़े विचों कढ़े आ, तो एक बंदे की मौत एक डैथ हो गई आ, तो बाकी कार्रवाई जी चल रही थाने कर रहे हैं। 4 बंदे ये हूँ उन्होंने जजमेंट अस्पताल तो पता लगेगा भी कि नशा किया किया। जख्मी अमनदीप दाखिल है जी, 3 बंदे, 1 की मौके पर डैथ हो गई। निका सिंह कलोनी जी दस दे जी।